खबर शामिल करते हैं टंडोले आर से, जहां पुलिस कर्दी के खिलाफ अब्बास टाउन के इलाका मकीन लक्की दरबार प्रेस क्लब और दो भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस ने गायब कर दिया। सचुताना बी सेक्शन की जानिब से बच्चों को रिहा करने के लिए 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया। अब्बास भाई टाउन में रिहाइश पजी नुसरत आबिद जट, फैजान जट और जाहिर जट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि थाना बी सेक्शन SHO पुलिस कर्दी पर उतर आया है और बिला वजह हमारे घर में भारी पुलिस नफरी के साथ दाखिल होकर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए मेरे दो बेटे शेरियार जट और फैजान जट को घर से अगवा करके ले गए और हमारे घर से 10 लाख रुपए नकद समेत सोना भी अपने साथ ले गए हैं। मुतासरा खातून ने कहा कि SHO थाना बी सेक्शन ने हम पर तशद्दुद भी किया और हमें मुसलसल हरासा कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे बेटे को रिहा करने के लिए SHO 10 लाख रुपए तलब कर रहा है और रकम ना देने की सूरत में हाफ फराई करने की भी धमकियाँ दे रहा है और झूठे मुकदमा पर मुलविस करने समेत नाजेबा अल्फाज अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस बगैर वारंट के दहशत गर्दों की तरह घर में दाखिल हुई और दो बच्चों को तशद्दुद करके मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मेरे बच्चों पर पुलिस मुकाबले का झूठा मुकदमा दर्ज करके साबित कर दिया है कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुतासरा बहन का कहना है कि एक भाई थाने में मौजूद है जबकि दूसरा भाई पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। थाना बी सेक्शन के SHO घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और घर में मौजूद खवातीन को हरासा किया और बदतमीजी भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस घर का कीमती सामान, सोना और नकदी रकम भी उठा कर ले गई है। पुलिस को ये इख्तियार किससे दिया कि घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को असलाह दिखाकर हरासा किया जाए। खवातीन ने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दरवाज़ा खड़काया और मेरा बेटा घर पर था, दरवाज़ा खोला तो उसे धक्का देकर सब 15-20 आदमी घर पर आ गए। मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये कौन आदमी है। जब मैंने देखा पुलिस है, मैंने उनसे पूछा भाई आप हमारे घर इसलिए इसी तरह कैसे आ गए, आपके पास वारंट है या आपके पास लेडी पुलिस है? उसने कुछ बात ही नहीं की, ऐसे मेरी बेटियां सोई हुई थी उसके ऊपर लाइटें जगा जगा कर देख रहे और बाहर निकल रहे। मैं बहुत पूछा, मैं बेवा औरत हूँ, आप मेरे घर इस तरह क्यों आए? मेरे घर पर तो कोई आदमी भी नहीं, बताया ही नहीं कुछ भी उसने, ऐसे ही हमारे घर पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस हमें डेली तंग कर रही है, डेली हमारे घर पे आ रही है, हमें तंग कर रही है और मेरे बच्चों को मुझे मिलाओ, मुझे मेरे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। उस रात क्या हुआ था? उस रात हम सो रहे थे, इन्होंने दरवाज़ा खड़काया, हमने दरवाज़ा नहीं खोला, इन्होंने आगे से हमें दरवाजे को धक्के दिए, हमने पूछा आगे से, इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने टांगे मारी, बट मारे, पता नहीं क्या कुछ मारा, फिर दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए, फिर आके बच्चों को हरासा किया, बच्चों को यहाँ से पकड़ के खींच रहे। मैंने आगे से बोला माफ़ करो, नहीं ऐसे करो, बच्चों को नहीं तंग करो, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। मेरी अम्मा बूढ़ी थी, उसको भी धक्का दिया, मेरी बेटी को भी धक्का दिया और खींच के बच्चों को ले गए। DIG हैदराबाद से मुतालबा है कि थाना बी सेक्शन पुलिस की बदमाशी का नोटिस लें और खवातीन को इंसाफ फराहम किया जाए।